फ्रेंड्स, बर्मन्स ब्लॉग आप लोगों को दूसरा एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अगर आओगे गुवाहाटी से तो ये धारापुर करके एक चौक है और यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे पलसबरी रास मेला। यहाँ धारापुर चौक में गेट भी लगा के रखे हैं, यहाँ से हम लोग एंटर करके जाएंगे। पलसबरी राफोर 76 ईयर से एबार 76 राफ महोत्सव এখন মেইন গেট ইয়াৰ পৰা আমি সোমাই যাম ভিতৰলৈ। ভিডিঅ'টোত জড়িত হৈ থাকিব মোৰ লগত, দেখুৱাম আৰু আমি কি কি আন কমন বস্তু দেখিবলৈ পাম। 76 ইয়াৰ হৈ ৰহে হে পলাশবাৰী ৰাজ কা। ये देखिए मेन एंट्रेंस में पूरा सिक्योरिटी पर्सनल लगे हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस वगैरह। यहाँ से एंटर करने ही नहीं देगा आपको, कोई भी व्हीकल आप अंदर नहीं लेके जा सकते हो। यहाँ आते ही आप राइट हैंड मुड़ना पड़ेगा, वहाँ पूरा पार्किंग का व्यवस्था रखे हुए हैं। बहुत बड़ा मेला है, ये देखिए आप लोग कार पार्किंग, लाखों कार यहाँ पार्क किए हुए हैं। हमारे भी गाड़ी पार्क कर दिए हैं, गाड़ी खन पार्क कर लो इतना भीतर लो जाम साव का अपना लोग। बाप रे बाप, इमान गाड़ी यहाँ पार्क कर, किंतु यहाँ बहुत डिसिप्लिन है। अटोमेटिकली मोटरसाइकिल पार्क कर लगे, एट जगते पार्क कर लगे, फोर व्हीलर पार्क कर लगे, अपनी यहाँ टिकट लगभ लगे 100 rupees और टू व्हीलर 50 rupees। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को लेके चलते हैं, पूरा रास मेला जो है दिखाएंगे। ये पलसबरी एक्चुअली द थर्ड टाउन ऑफ असम और ये जगह जो है पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस है। सब लाख लाख मानवाई देखिए, यहाँ आते तो थोड़ा संभाल के, स्पेस यही नहीं। माय गुडनेस, तो मी इन दिस वीडियो टिल द एंड, बट ये बहुत डिसिप्लिन है, बहुत दुनिया को डिसिप्लिनरी मेंटेन करी, बहुत दुनिया अरेंज करी। ये है मेन कार्यालय ऑफिस है यहाँ का, लाखों लोग भर गए हैं यहाँ आके, स्पेस मिलना ही मुश्किल है। मेन अंदर पहुंचे ही नहीं, भीड़ के कारण हम जा ही नहीं सके। जाएंगे राइट हैंड साइड में जो है स्टेज बना के रखे हैं, जहां कल्चरल फंक्शन वगैरह होता रहता है, दिखाएंगे बिल्कुल एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए एक सुंदर सा चीजें आप लोगों को नजदीक से दिखा देता हूँ। दैट इज कॉल आर्ट। देखिए गोल्डन राधा कृष्ण वाला आप लोग देख पा रहे होंगे, देखते रहिएगा। मैं आप लोगों को जितना पॉसिबल वे से दिखा सकता हूँ मैं दिखा रहा हूँ। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। बाप रे, यहाँ मतलब आपको आगे बढ़ना है तो आसानी से आप जा सकते हो, कुछ जोर लगाने की कोई जरूरत नहीं। आप खड़ा रहो और आपको धक्का देके लेके जाएगा। देखिए मेरे पीछे ये देखिए दूसरा एक सिल्वर कलर में राधा कृष्ण, पूरा सेल्फी पॉइंट है, लोग देखिए सेल्फी ले रहे हैं। देखिए पूरा बीच में डिवाइडर लगा के दिए हैं, एक साइड से आने का और एक साइड से जाने का। ये देखिए सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ बड़े हुए हैं, पूरा अच्छे से सेवा कर रहे हैं ये लोग। यहाँ एक जगन्नाथ का भी टेंपल लगा के रखे हैं। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और क्या क्या है देखिए, देखते रहिए। मैं बहुत मुश्किल से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक्चुअली वीडियोग्राफी करने का भी थोड़ा सा दिक्कतें आ रहे हैं, लोग इतने भर गए हैं। चलिए यहाँ से निकलेंगे और आगे जाएंगे, आगे क्या क्या है देखिए। हम लोग खुश आओ, ये दुनिया हंसा के बहुत डिसिप्लिन है और हंसा है बहुत भल लगी। ये है मेन मंडप जो मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मंडप को नजदीक से दिखा दे रहा हूँ, इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, क्या क्या चीजें हैं वो देखेंगे। Thank you.
देखिए निर्माल ही दे रहे हैं लोगों को। जो फ्लाईओवर बना के दिए हैं टेम्पोररी है, लेकिन ये लकड़ी का बना हुआ है। लोग उस साइड में जाते हैं बीना बाजार देखने के लिए। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा स्टेज की तरफ जाके आते हैं। जितना सारा मूर्तियां लगा हुआ है वो दिखाने में बहुत समय भी लग जाएगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं स्टेज की तरफ, जहाँ फंक्शन कल्चरल प्रोग्राम वगैरह हो रहे हैं वहाँ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है स्टेज, कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है। ये कितने लोग आए हुए हैं, बहुत बढ़िया से बहुत डिसिप्लिनरी वे में लोग प्रोग्राम अरेंज किए हैं, सच में वो मानना पड़ेगा। वो देखते रहिएगा, ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो आप लोग बोर भी हो जाओगे। देखिए ऑर्केस्ट्रा आए हुए हैं, अभी ये गाना सुनाएगा। तो ऐसा होता है जो अरेंजमेंट होते हैं कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होते हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। चाय पियेंगे फंक्शन और चाय नाथको, আমি ইফালে যাম মিনা বজাৰত যাম। লটারি কোড বেছি আছে চাই লো, আমি লটারি টিকেট লব লাগিব। দেখিয়ে লটারি, ইয়ে দেখিয়ে প্রাইজ আইছো, যদি এটা ময়ো লৈ লওঁ দিয়ক দিয়ক দিয়ক। আৰু দেখিয়ে আমাৰ নসিব ভি দেখ লেতে এক বাৰ, হামকো ভি দিয়া হে, ইয়ে দেখিয়ে ভাইয়া দিয়া হে, পিছে সে আয়া হে, পিছে সে আকে লিয়ে, ইয়ে দেখিয়ে। চলিয়ে আপ লোগ দুয়া করিয়েগা, লে লিয়ে হে টিকেট, দো টিকেট লিয়ে হে, ইয়ে আইয়ে আপ লোগ ভি আইয়ে আকে নসিব কো আজমা কে দেখিয়ে এক বাৰ। ये यहाँ से निकल के जाते हैं, अभी जाएंगे मीना बाजार देखने, लेकिन डर लग रहा है कैसे पार होके जाऊंगा। आखिर में बहुत से स्ट्रगल करने के बाद ये हम पहुंचे हैं मीना बाजार। दिखाएंगे, मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में, आप लोगों को एक एक करके दिखाएंगे। गरीज हुईल वैसे भी मेरे लिए तो एक क्विक पॉइंट रहा ही है, एक बार तो मजा लेना पड़ेगा वहाँ। चलिए जाएंगे आगे। ये फेरीज हुईल बहुत बड़ा है, लेकिन उठेंगे और ऊपर जाके आप लोगों को बताएंगे कैसा फील होता है फेरीज हुईल में उठने के लिए। लेकिन आपको बहुत बड़ा लंबा सा लाइन लगना पड़ेगा, कितना समय लगेगा पहुँचते पहुँचते पता नहीं, लेकिन हम भी टिकट ले लेते हैं। दो टिकट दे दो हमको भी, हम भी मजा लेते हैं फेरीज हुईल का। तो भाई हम भी फेरीज हुईल का मजा लेते हैं 70 रुपीज करके। ये देखिए देखिए कितने लोग आए हुए हैं, ये भाई लोग देखिए, मेरा पूरे ब्रदर लोग आए हुए हैं, हम लोग पूरा मजा लेंगे पूरा फेरीज हुईल का, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर वेटिंग सो लॉन्ग टाइम आप पहुंचे हैं अभी। सेकेंड टाइम बैठा हूँ इस बार रात मेले में फेरीज हुईल में, बने रहिएगा वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है। हेलो हेलो, ये देखिए शायद में ड्रोन के जैसा टॉप दिखा रहा हूँ लोगों को। कलाजगारी हाथ मेला पूरा दिखेगा, देखते रहिए आप लोग, मजा लीजिए। नीचे की तरफ
बच्चों के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे और दूसरा वाला दिखाएंगे ब्रेक डांस। उसके बाद हम देखेंगे कुएं में गाड़ी। ये देखिए लोग बैठे हुए हैं, अभी स्टार्ट हो जाएगा, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। बाजार ही में अट्रैक्शन रहता है ये मेले वगैरह में। मैंने यह तो हमारी बोले गो এই পুনরটো এই সেভেন্টিনত মারিলো মই কুয়াত গাড়ি ঘুরবা চাম বলক ভাই দু টিকেট দে দো মেরে সাথ বনে রইগা ভিডিও মে তিনিখন তিনিখন কার ঘুরাবো ইয়াতে দুখন মোটর সাইকেল তিনিখন কার মজা লাগিব ভিডিওতো জড়িত হইলে কিবা মন লাগিব मोटरसाइकिल है ये दो मोटरसाइकिल घुमाएगा और ये तीन कार घुमाएगा चलिए इसी के साथ हम आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी ही दूसरा एक वीडियो में, रास मेला में ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे कम्फर्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।